अमर दास गुण तेरे तेरी उपमा तो है बनाए। डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई कार्यक्रम में सत श्री अकाल। आज सिखिज्म के तीसरे गुरु अमरदास जी का जन्मदिन, आप सबको लख लख बधाइयां। हम आज आपको गुरु जी के चरणों में कुछ उनके किस्से सुनाना चाहते हैं। सिख धर्म में 10 गुरु हुए, पहले गुरु नानक साहब और आखिरी गुरु गोविंद सिंह जी। ये चार ही गोत्र के थे। गुरु नानक साहब बेदी थे, आपके शागिर्द अंगद त्रेहन थे, उनके शागिर्द अमरदास भल्ला थे और उनके शागिर्द रामदास सोडी थे, जिन्होंने और उनकी बेटी ने ये डिसाइड किया कि अब परिवार से ही गुरु होगा। तो आखिरी 10वें गुरु तक वो एक ही परिवार के हुए, जो सोडी थे। अमरदास जी का जन्म अमृतसर के पास एक छोटे से गांव में हुआ 1479 में। आप शुरू में वैष्णव थे और धर्म यात्रा करते थे, हरिद्वार जाते थे, केदारनाथ बद्रीनाथ जाते थे। इनको एक साधु मिला, उसने इनसे कहा कि अमरदास जी जब तक किसी को गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हें ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। ये बात इनको बड़ी समझ आई। आप पंजाब आए तो बीबी अमरो से आपने गुरु नानक की वाणी सुनी, बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने इनसे कहा कि तुम अपने पिताजी गुरु अंगद से हमको मिलवाओ। उन्होंने मिलवाया, अंगद जी इनसे बड़े ही खुश हो गए और इनको अपना शिष्य बना लिया। शिष्य मतलब सिख बना लिया। और 60 वर्ष के थे तब ये सिख बने। गुरु अंगद इनसे उम्र में छोटे थे। 1552 में आपको गुरु घोषित कर दिया गया अंगद जी ने। उसके बाद गुरु अमरदास की जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिखिज्म में है, कुछ चीजों में है। नंबर वन, आपने लंगर प्रथा चालू की। आपका कहना था मेरे से जो मिलने आना चाहता है, मिलने आए काम के लिए, कैसे भी दर्शन के लिए, पहले लंगर खाए। लंगर में सब लोग, सब जाति के लोग, हर उम्र के लोग, हर इलाके के लोग बैठ के खाना खाएं और उसके बाद मेरे आए। ये लंगर प्रथा आज भी प्रचलित है। उसके अलावा आपने आनंद कार्य जो होता है, शादी का, अच्छे कार्यों का, वो सिखों में वो आपने चालू किया। तीसरा, मंजी प्रथा आपने चालू की। और सबसे बड़ा काम जो आपने किया, गुरु हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल की जगह आपने चुनी और आपके दामाद गुरु रामदास ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर उसे पूरा किया। यहां तक कि इनका रुतबा क्या था कि अकबर बादशाह भी एक बार जब आया, इनसे मिलना चाहा, तो इन्होंने कहा कि तुम पहले लंगर खाओ और उसके बाद हमसे मिलने आओ। ये कहानी है गुरु अमरदास भल्ला साहब की। जय हो गुरु अमरदास।